या कनाबदो वैया कनस्ताइन। मेरे पाकिस्तानियों, बहुत दर्दनाक तकलीफ दे सानिया हुआ है अभी पेशावर में, और दहशतगर्दी के ऊपर फिर से बातचीत शुरू हो गई। एक वक्त पे बहुत बड़ा मौजू था दहशतगर्दी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे गया, और अब फिर चंद महीनों से फिर से ऊपर आ गया। तो मैंने इसलिए कहा कि पहले तो मैं अपनी कौम से बात करना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले दहशतगर्दी के ऊपर, और ख़ास तौर पे जो पख्तूनख्वा की पुलिस है, माजी में भी ये कुर्बानियां देते रहे। जब हमारी 2013 में हुकूमत आई तो तकरीबन 700 पुलिस वाले शहीद हो चुके थे, और वो मैं उसके पर अभी बाद में बात करूंगा। और फिर इनकी कुर्बानी देख के तो मैंने सोचा कि आज मैं इस मौजू के ऊपर बात करूं, क्योंकि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इतना बड़ा सानिया हुआ है और इसको पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, वो जो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। देखिए जी, हुआ क्या, पाकिस्तान क्यों इस जंग में पड़ा, ये आप सबको समझना है कि इसके पीछे क्या हुआ कि हम पिछले 20 साल से एक अजाब में पड़े हुए हैं, और बीच में पीरियड आया कि जिसमें दहशतगर्दी बिल्कुल नीचे आ गई। लेकिन ये हुआ क्या था, मैं जरा अपनी कौम की माइंड जग जिनको समझ है उनको पता तो चले कि हम यहां पहुंचे कैसे हैं। देखिए, हमने अफगान जहाद लड़ी, सारी जो अफगान जहाद थी वो पाकिस्तान के कबायली इलाके से लड़ी गई थी, जो पुराना कबायली इलाका था। मैंने 1993, आज से 30 साल पहले, एक किताब लिखी थी पाकिस्तान के कबायली इलाके के ऊपर, और वो मैं सारे कबायली इलाका वजीरिस्तान से लेकर सारी एजेंसी से होके मैं बजौड़ तक मैं ट्रैवल किया, मैंने उसकी तारीख पढ़ी, और लिहाजा मैंने फिर वो किताब लिखी। लेकिन जब मैं वहां कबायली इलाके में फिर रहा था तो तकरीबन जितने भी मैं हुजरे जाता था, ज्यादातर उन हुजरों में तस्वीर लगी होती थी एक नौजवान की, और हार उसके गले में डाला होता था। तो जब पूछते थे तो वो बड़े फख्र से कहते थे कि इसने शहादत ली है सोवियत यूनियन उनकी जो फौजों के खिलाफ लड़ते हुए अफगानिस्तान में। तो यहां से मुजाहिदीन भी जाते थे, जो बाहर से हमने अलकायदा जैसे ग्रुप्स को बुलाया था, लेकिन यहां के लोगों ने बड़ी उसमें शिरकत की, कबायली इलाके के लोगों ने। तो जब 2001 के बाद जनरल मुशर्रफ ने फैसला किया कि हम अमेरिका की जंग में शामिल होंगे, मैं ये बार बार कहता हूं कि यह प्रोपेगेंडा से किसी की जंग को अपनी जंग बनाया गया। मैं तब से कहता गया हूं कि यह हमारी जंग नहीं थी, और उसकी दो वजूहात थी। एक, हमने पहले कहा कि अफगानिस्तान में जो भी फॉरेन ऑक्यूपेशन होगी, उस वक्त सोवियत यूनियन थी, उनके खिलाफ लड़ना जहाद है। कौम ने भी कबूल किया, हमने शिरकत भी की, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है हमें पैसे भी, डॉलर्स भी आए उससे। लेकिन जब 2001 में अमेरिका उसके बाद फैसला करता है अफगानिस्तान आने में, और अब हम अपने लोगों को कह रहे हैं, अपनी कौम को भी कह रहे हैं, और वो लोग जिन्होंने शिरकत की थी उस अफगान जहाद में, वो ग्रुप्स और फिर वो कबायली इलाका के अंदर जो लोगों ने जिस तरह मैंने आपको बताया शहादतें हुई उस अफगान जहाद में, अब हम उनको कह रहे हैं कि नहीं जी, अब ये दहशतगर्दी होगी अगर अमरीकनों के खिलाफ आप फॉरेन ऑक्यूपेशन के खिलाफ आप लड़ेंगे। इसका एक, सबको पता था कि इसका एक बैकलैश आना है, इसका रद्द अमल आना था। और जब जब मेरी आप स्टेटमेंट्स, मैं 2003 में नेशनल असेंबली में भी बोला, जब पाकिस्तान ने फैसला किया, जनरल मुशर्रफ ने अपनी पहली दफा 1948 के बाद, जब कायद आजम ने हुक्म किया था कि पाकिस्तान की फौज कबायली इलाके से वापस ले आओ, ये पहली दफा जब मुशर्रफ ने फौज भेजी वहां 2003 में, तो मैंने असेंबली में तकरीर की और कहा कि अगर आप तारीख पढ़ लें कबायली इलाके की, अब कभी यह हिमाकत ना करते, क्योंकि हमारी वो फोर्स थी वहां, हमें कोई फौज भी नहीं रखने की जरूरत थी। वहां पुरामन इलाका था, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा कबायली इलाका पुरामन था। जब फौज भेजी वहां से हमारे मसले शुरू हुए। वो लोग, उनमें
میں سے جن لوگوں نے شرکت کی تھی جو سمجھتے تھے کہ یہ امریکہ نے بڑا غلط کیا ہے افغانستان میں آ کے, وہ لوگ ادھر بہت بڑی ایک غصہ آیا. ان کو تو نہیں آپ کنونس کر سکتے کہ اب یہ جہاد نہیں دہشت گردی ہے. 2002 کا الیکشن ہوتا ہے اور اگر کسی کو شک تھا کہ یہ سارا جو پشتون علاقہ ہے یہ بڑا ناراض تھا کہ امریکہ جب افغانستان گیا ہے, تو سارے 2002 کے اندر پشتون علاقے نے ایم ایم اے کو ووٹ دی, کیونکہ ایم ایم اے واحد پارٹی تھی جو کہہ رہی تھی کہ بہت برا ہوا. دوسرا خیر میں تھا, میری تو پارٹی چھوٹی سی تھی. ہم کہتے رہے اور یہ ایم ایم اے بھی کہتے رہے کہ یہ بڑا غلط کیا امریکہ نے, کیونکہ افغانستان کے لوگوں کو کلیکٹو پنشمنٹ دینے کی کیا ضرورت تھی. القاعدہ ایک گروپ تھا لیکن ایک پورے قوم کو سزا دینا تو ایک بڑا, ایک اس کے خلاف پاکستان کے اندر بھی بڑا عوام نے یہ پسند نہیں کیا اور کافی غصہ تھا لوگوں میں, خاص طور پر پشتون بیلٹ میں, کیونکہ وہ انہوں نے کنیکشن جو پشتون اس طرف ہے اور اس کا دوسری طرف قبائلی علاقے کا تو بارڈر ہی کوئی نہیں ہوتا تھا, ڈیورن لینڈ تو تھی کچھ نہیں, تو وہاں سے تو آمد و رفت رہتی تھی دونوں طرف. تو اس کا ایک ریئیکشن آیا اور ریئیکشن عوام نے پشتونوں نے بتا دیا 2002 میں کہ وہ اس جنگ کے خلاف ہے. انہوں نے ایم ایم اے کو ووٹ دی کیونکہ دونوں پارٹیز تو ڈرتی ہیں, بات ہی نہیں کرتی تھی امریکہ کے خلاف, یہ تو امریکہ کو اپنا وہ آقا مانتی ہیں, تو یہ تو بولی نہیں, تو جو بول رہی تھی پارٹی ایم ایم اے ان کو قوم نے ووٹ دی سارے پشتونوں نے. تو پتا چل گیا کہ قوم کدھر کھڑی ہے. اب وہاں سے شروع ہوئی, جیسے جیسے ہم پڑھتے گئے امریکہ کی جنگ میں, وہ پھر وہاں دہشت گردی, اس کا ریئیکشن آتا گیا. انہوں نے پاکستان کے خلاف جو پھر پہلی دفعہ 2004-05 میں ہم نے ٹی ٹی پی کا نام سنا, یہاں تو کوئی ملٹنٹ طالبان نہیں تھے, جو جنگ لڑی تھی جو اس طرف مجاہدین اور طالبان نے انہوں نے لڑی تھی سوویٹس کے اگینسٹ, تو یہاں تو کوئی ملٹنسی نہیں تھی. تو آہستہ آہستہ پاکستان میں یہ دہشت گردی اور ملٹنسی بڑھتی گئی, اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میری طرح کے لوگ جب کہتے تھے کہ یہ بڑا غلط ہو رہا ہے, پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے, مجھے طالبان خان کہا گیا. میں جب وہ امریکنوں کی جو افغانستان میں وہ کر رہے تھے اس کو بار بار میں کہتا گیا کہ کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے, کیونکہ افغانستان کی اگر آپ تاریخ پڑھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کسی باہر والے کو ایکسیپٹ کرتے ہی نہیں ہیں. تو ادھر بھی کہتے گئے تو وہاں اینٹی امریکن کا اور ہر قسم کی باتیں کی گئی, لیکن جو لوگ اس علاقے کو جانتے تھے سب کو پتا تھا کہ یہاں جتنا آپ ادھر پڑھیں گے ادھر مشکلات ملک کے لیے بڑھتی جائیں گی. اب میں آتا ہوں کہ یہ پھر فاسٹ فارورڈ کر لیں. اچھا, اس سے پہلے میں کہوں گا ڈرون اٹیکس ہونے شروع ہو گئے, اور یہ 2006 سے ڈرون اٹیک 4 سے 5 سے آہستہ آہستہ بڑھتے گئے. ڈرون اٹیکس کیا ہوتا تھا کہ وہاں جا کے اٹیک کرتے تھے قبائلی علاقے میں, وہاں زیادہ تر بے قصور لوگ مارے جاتے تھے. وہ کیا بدلہ کس سے لیتے تھے, وہ آ کے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پولیس کے خلاف بدلہ لیتے تھے. تو اس لیے میں نے ایک بہت واحد پولیٹیکل پارٹی جس نے ڈرونز کے خلاف دھرنا کیا, ہم نے پوری کیمپین کی, وزیرستان مارچ کی دھرنوں کے خلاف, یہ ڈرون اٹیکس کے خلاف. باقی یہ پارٹیز چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور ڈرتے تھے. آپ کو پتا ہے ان کے تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں, تو وہ تو ڈرتے ہیں بولتے ہوئے, جب آپ کی دولت وہاں باہر پڑی ہو تو خوف آتا ہے ان سے. اس کے بعد کیا ہوا, ہماری گورنمنٹ آ گئی, پختونخوا میں گورنمنٹ آئی 2013 میں. ہماری پولیس بری طرح, ان کی کیجولٹیز ہوئی تھی, وہ ڈیمورلائز تھی. ہم نے پولیس کے اوپر پوری ریفارمز کی گئیں. آئی جی دورانی صاحب کو ہم نے یہاں سے لے کے گئے مرحوم, وہ آئے وہاں, ہم نے پولیس کو ریفارم کیا, پولیس کمانڈوز کی ٹریننگ کروائی, پہلی دفعہ پولیس کمانڈوز کو ڈیولپ کیا, اور ادھر سے پھر فائٹ بیک ہوئی اور پختونخوا کی جو پولیس تھی وہ پھر کھڑی ہوئی اپنے پیر پہ. اور اتنی قربانیوں کے باوجود انہوں نے ان کے اینڈ میں دیکھیں کہ ساری قوم کھڑی ہوگی پختونخوا کی پولیس کے ساتھ, کیونکہ انہوں نے پھر قربانیاں دی اور روکا دہشت گردوں کو. لیکن اصل میں دہشت گردی لڑی جاتی ہے انٹیلیجنس ایجنسی سے, اور قوم کی سیکیورٹی فورسز لڑتی ہے, اور قوم کی سیکیورٹی فورسز نے اینڈ میں قربانیاں دی. پتہ نہیں 6000 ہمارے فوجی شہید ہو گئے اور ٹوٹل پاکستان کی 80000 پاکستانی اس جنگ میں ہلاک ہوئے. اب آ جائیں 2018 میں, ہماری گورنمنٹ آ جاتی ہے,
हम फैसिलिटेट करते हैं अफगान तालिबान के साथ बातचीत, क्यों, और अमेरिकन और अफगान तालिबान के बीच में बातचीत हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट था वहां अमन होगा तो पाकिस्तान में उसका फायदा होगा, क्योंकि उस वक्त जो पिछली अफगान गवर्नमेंट थी वो प्रो पाकिस्तान नहीं थी, वो प्रो इंडिया थी, और वो हुकूमत हमें कोई हेल्प नहीं मिलती थी जब यहां पाकिस्तान से तीन ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे थे, अफगानिस्तान अटैक करते थे तो वो नहीं रोकते थे। तो हमारी हमने पूरी कोशिश की पहले बातचीत करवाएं ताकि अमन हो अफगानिस्तान में, फिर हमने कोशिश की अफगान गवर्नमेंट को और तालिबान को इकट्ठा बढ़ाने की, वो हम फेल हो गए, उन्होंने नहीं माना, लेकिन हमने कोशिश की। हमने दोनों उस गवर्नमेंट से भी बात कर रहे थे, मैं गया भी काबुल जब प्रेसिडेंट गनी थे, तो सिर्फ कोशिश की कि हम किसी तरह यहां अमन पैदा करें। तो जब पिछली 2021 की गर्मियां, अब मैं सिर्फ आपको इसलिए तफसील बता रहा हूं ताकि आपको पता हो आज जो हो रहा है उसके पीछे बैकग्राउंड क्या थी। 2021 में गर्मियों में मुझे खौफ आना शुरू हो गया जब अमरीकनों ने डेट अनाउंस की विड्रॉल की अफगानिस्तान में, मुझे खौफ आना शुरू हो गया कि यहां खाना जंगी होगी अफगानिस्तान में, और हमारी ISI ने हमें पूरी ब्रीफिंग दी कि 3 लाख फौज है अफगानिस्तान की, और जैसे ही विड्रॉल अगर ये जब अमरीका जाएंगे तो ये 3 लाख फौज और 60-70 हजार सिर्फ तालिबान है तो यहां तो खाना जंगी शुरू हो जाएगी। तो एक खौफ था कि जब वहां खाना जंगी शुरू होगी तो इसका फॉलोआउट पाकिस्तान में भी आएगा, एक ये खौफ था कि अमेरिका हमें एक हमारे पे सैंक्शंस लगा दें, क्योंकि वो पहले ही कह रहे थे कि पाकिस्तान की वजह से हम नहीं जीते अफगानिस्तान में, वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज को ब्लेम करते थे कि वो तालिबान के खिलाफ इसलिए कामयाब नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तान उनकी मदद कर रहा था। तो डर ये था कि एक दफा सिविल वॉर शुरू हो गई तो उन्होंने सारा मलबा हमारे पर डाल देना। तो हम बड़ी मैं पिछली यानी 21 की गर्मियों से मैं, आप मेरी स्टेटमेंट्स देख लें, मैं कहता गया था कि वो जो 2021 और 22 की सर्दियां हैं वो पाकिस्तान के लिए सबसे मुश्किल वक्त है, और उसकी एक वजह यह थी कि मुझे खौफ था अफगानिस्तान में क्या होगा। मेरा जनरल बाजवा से कोई इख्तलाफात नहीं थे, हम एक पेज पे थे। इस मुल्क ने बड़ा फायदा हुआ जबकि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और इलेक्टेड गवर्नमेंट एक पेज पे थी, अच्छे अच्छे काम हुए। कोरोना के अंदर दुनिया ने हमारा तस्लीम किया जिस तरह हमने डील किया, लेकिन सब एक कौम ने मिलकर उससे लड़ा। उसके बाद टिड्डी भी थी, इसका एक आया वो भी, उस पर भी बड़ा हमें खौफ था। तो हर चीज में उस वक्त हम इकट्ठे चल रहे थे। इख्तलाफ पहला ये हुआ कि एक्सटेंशन के बाद जनरल बाजवा ने बार बार हमें कहा कि NRO को, इनको NRO दे दो और ये अकाउंटेबिलिटी से पीछे हट जाओ और NAB को चेंज कर दो, जो अब NAB है, यानी NAB को लॉज को अमेंड करना, ये तब से शुरू हो गया था कि जैसे आप अमेंड करेंगे तो यह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, बेसिकली इनको NRO दे दो, जो हमने रिफ्यूज कर दिया। मैंने मीटिंग भी थी, एक हुई थी जिसमें मेरे सीनियर मिनिस्टर्स बैठे थे, जनरल बाजवा ने ये तजवीज दी, हमने काम नहीं करते क्योंकि मैं तो आया ही पॉलिटिक्स में 26 साल पहले था रूल ऑफ लॉ के लिए और इंसाफ, और अगर इंसाफ नहीं होता तो करप्शन होती है। तो दूसरा इख्तलाफ किधर हुआ? दूसरा इख्तलाफ उनसे हुआ जनरल फैज के ऊपर। अब मैं आज सारी कौम के सामने रखना चाहता हूं जो हकायक क्या थे। मेरा जनरल फैज को उस वक्त मैं समझता था कि क्योंकि 2021 और 22 की सर्दियां हमारे लिए बड़ी मुश्किल होंगी, मैं चाहता था, क्योंकि अफगानिस्तान का फॉलोआउट आना था, मैं ये चाह रहा था कि उनको ये सर्दियों तक जनरल फैज को रखा जाए, क्योंकि अगर सबसे मुश्किल टाइम है तो जो सबसे एक्सपीरियंस्ड आपका इंटेलिजेंस का चीफ है उसको होना चाहिए, आपका बेस्ट खिलाड़ी होना चाहिए। मुझे तब से खौफ था दहशतगर्दी का, मैंने बार बार जनरल बाजवा से भी बात की, मैंने अपनी कैबिनेट को भी बताया कि सर्दियां हमारे लिए मुश्किल हैं, क्योंकि एक पूरी तारीख में देख रहा था, मुझे तो पूरी बैकग्राउंड पता है इसकी। अल्लाह ने करम करना था एक तरह हमारे ऊपर भी और अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर, कि वो जो अमेरिकन जो ट्रेन किया हुआ था अफगान फौज, उसने हथियार डाल दिए, प्रेसिडेंट गनी मुल्क से चला गया अफगानिस्तान से, एकदम तालिबान की गवर्नमेंट आ गई, कोई खाना जंगी से ये सारा खिताब बच गया। उसने, आपको अंदाजा नहीं कि पाकिस्तान के ऊपर कितना फायदा हुआ उसका। अगर खुदा ना खास्ता खाना जंगी शुरू हो जाती, हमें सबसे बड़ा नुकसान होना था,
अल्लाह ने करम किया, अफगानिस्तान के लोगों पे हमें भी बचा लिया। अब उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान क्योंकि हमने दुआ के डायलॉग्स जो अमेरिकन और तालिबान के थे हमने सबसे ज्यादा उसमें प्रमोट किया, इसके अंदर हमारा सबसे बड़ा काम था, तो एक जो गवर्नमेंट सबसे पहले जिसके सबसे अच्छे ताल्लुकात थे अफगानिस्तान में वो पाकिस्तान था, और जो दुनिया ने एक्नॉलेज किया कि जो इवैक्यूएशन हुई अफगानिस्तान में उसमें पाकिस्तान ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया क्योंकि हमारे ताल्लुकात अच्छे थे। और फिर शाह महमूद कुरैशी को मैंने वहां भेजा, उन्होंने उनसे मीटिंग्स की। हमारी कोशिश ये थी कि 2500 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे तो ये जो तीन किस्म के दहशतगर्द पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे थे, BLA, TTP और फिर ISIL, तो हमारी कोशिश ये थी कि हम उनके साथ अगर वहां स्टेबल गवर्नमेंट आ जाए तो पाकिस्तान बच जाता है दहशतगर्दी से। OIC की मिनिस्टर्स की मीटिंग करवाई गालिबन दिसंबर मेरे ख्याल में 2021 में, अफगानिस्तान को टॉपिक रखा, दुनिया को बताया कि अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी जरूरी है, जिसमें एक हमने अपनी वजह बताई कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी कंट्रोल करने के लिए स्टेबल अफगानिस्तान जरूरी है, कॉन्फ्रेंस करवाई। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद बदकिस्मती से रिजीम चेंज आ गई और हमारी गवर्नमेंट को हटाया गया। जब हमारी गवर्नमेंट को हटाया गया तो उससे पहले हमारी मीटिंग हुई, मैंने जनरल बाजवा और ISI चीफ थे, अब मुझे ये नहीं याद कि उस वक्त जनरल फैज आ गए थे या ये जनरल नदीम थे, लेकिन जनरल बाजवा थे और मैंने और हमने बैठ के गुफ्तगू की कि अब जब अपनी अफगानिस्तान में एक प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट है, यानी एंटी नहीं है क्योंकि गनी एडमिनिस्ट्रेशन तो पाकिस्तान के खिलाफ थी, जब वो आ गई है तो हमें कोशिश करना चाहिए। अब जब तालिबान, उन्होंने भी कह दिया कि अब हम इनको वापस भेजने लगे हैं, अब 30 से 40 हजार तालिबान फाइटर्स और उनकी फैमिली अफगानिस्तान में थी, तो हमारी मीटिंग हुई और हमने सोचा कि अब इनको क्या करना है। उन्होंने वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान आए अब ये वापस, और वो बीच में भी पढ़ने लगे थे कि हम किसी तरह बातचीत में भी वो फैसिलिटेट करें। अब डिस्कशन ये हुई क्योंकि ये जो सिक्योरिटी इश्यूज है वो तो हम बात कर, जब हमारी बात हुई तो दो हमारे खास तौर पे दो की मैं बात कर रहा हूं, तीन जो एक और हमारे ब्यूरोक्रेट थे जिनको कबायली इलाके का अंदाजा था जो सर्व कर चुके थे, और हमारे नूरुल हक कादरी साहब जो खैबर एजेंसी से थे, और मुराद जिसने सारी जो स्वात के अंदर पूरा ऑपरेशन हुआ था तालिबान, तो इन्होंने बैठ के बड़ा खदशा बताया कि देखें जब वो आएंगे तो उनकी सेटलमेंट कैसे होगी, क्योंकि बड़ा मुश्किल होगा, लोगों की दुश्मनियां हैं, कत्ल किए हुए हैं आपस में, और इन्होंने तालिबान ने, तो वह बड़ी तशवीश थी। तो यह फैसला किया गया कि हमारे जो कबायली इलाके के MNAs और वो बैठ के हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस फैसला करेंगी कि इनको रिहेबिलिटेट कैसे करना है। यह भी सोचा कि इनके लिए पैसे खर्च करेंगे क्योंकि दो ही है ना, या हम उनको मार दें सारों को खड़ा करके, और या फिर उनको सेटल करें और उनसे कोई एग्रीमेंट करें, ये तो इसके अलावा तो तीसरा कुछ नहीं था। तो हमने उनसे ये बात हुई और वो बदकिस्मती से बात आगे बढ़ी नहीं क्योंकि और चीजें आ गई, और आप सब जानते हैं रिजीम चेंज के अंदर और चीजें आ गई। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट चली गई। 2022 की जून के अंदर मलाकंड के अंदर मसला आ गया, स्वात के अंदर एकदम तालिबान की वहां कोई आया और वो अवाम खड़ी हो गई, उनको बड़ा कि फिर से वही हाल होने लगा जो कि पहले था, जिधर स्वात के लोगों ने बड़ी मुश्किल वक्त गुजारा, तो तब तशवीश हुई। और मैंने जून के अंदर फिर मीटिंग की अपने पख्तूनख्वा के MNAs और MPs के साथ, KP हाउस के अंदर इस्लामाबाद में मीटिंग की, और उनको सब खदशा था कि ये एक नया फिनोमेना फिर आ रहा है, ये जो तालिबान आ रहे हैं वहां स्वात के अंदर जो हो रहा है, और फिर लेटर्स लोगों को आने शुरू हो गए कि पैसे के, और फिर हमारा एक MP था उसको गोलियां लगी वहां दीर के अंदर, तो सबसे मीटिंग हुई और उनको खौफ था कि ये हो क्या रहा है। और फिर हमने, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट थी KP में, हमने उन्हें कहा कि आप बात करें वहां के कोर कमांडर से और कोई एग्रीमेंट करें कि ये क्या हो रहा है, ये फिनोमेना क्या है, क्योंकि समझ नहीं आ रही थी। लेकिन इस गवर्नमेंट ने, कोई इनको समझ नहीं थी करना क्या है, ना ही इनकी कोई तवज्जो थी वहां। इन्होंने जब जून में वहां से खदशा हुआ कि ये हो रहा है, ये क्या फिनोमेना है, क्योंकि बॉर्डर तो
गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है अगर पख्तूनख्वा के, तो इनके अंदर कोई किसी को ना समझ थी ना किसी का इंटरेस्ट था। अजीब अजीब सी इनकी मजाया स्टेटमेंट्स आई और वो इशू वहीं का वहीं रह गया। अब ये इशू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना था और अब जिधर ये पहुंच गया है, मुझे अब हुआ क्या, जब पुलिस पे जब ये अटैक हुआ मस्जिद के अंदर, तो अभी वो लोग वो बेचारे जो मैं फिर से आज सबके सामने, हम सबको तकलीफ है कि जो जिस तरह की हमने वो सीन्स देखे हैं और जिस तरह वो पुलिस वालों के ऊपर एक गुस्सा और एक गम तारी हुआ हुआ था वो हमने देखा सबने। तो सवाल अभी ये पूछा जाए कि गवर्नर केपी ने अभी तो ये अभी तो लोगों कब्रों में दफन भी नहीं किया, अभी तो लोग तकलीफ में हैं, अभी तो एनालिसिस ही नहीं हुआ कि ये हुआ क्या है। गवर्नर केपी खत लिख देता है कि जी इलेक्शन को डिले किया जाए, मुल्क सूबे का सूरत हाल ठीक नहीं है। अब मेरा ये सवाल है कि जो लोग ये अब समझ रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी बढ़ाई जा रही है और जो पहले से भी ये पीटीआई की गवर्नमेंट के खिलाफ है और ये इलेक्शंस को मुतासर कर रही है और ये इलेक्शंस डिले करने के लिए, तो गवर्नर ने तो खत से यही उसी तरफ लोगों को जिसका नहीं भी सोच था वो उधर चली गई है। क्या ये अकल है कि जब तक आपने पूरी तरह देखा ही नहीं और पता ही नहीं आपको सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है, सीधा बैठ के कह दिया कि इलेक्शन डिले करो। जो प्रो गवर्नमेंट के तजिया नगार हैं वो भी शुरू हो गए कि जी इलेक्शन डिले किया जाए। तो कुछ तो सोच लें कि लोगों के अंदर जिधर पहले खदशात है, एक ट्रस्ट डेफिसिट हुआ हुआ है केपी के अंदर, पख्तूनख्वा के लोग को इतमाद चला गया है कि यह दहशतगर्दी है क्या। हम सब जानते हैं कि पीटीएम के क्या नारे हैं और जब पहले से खदशे हैं तो ये गवर्नर स्टेटमेंट दे रहा है कि जनाब इलेक्शन डिले कर दे। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि आज मैं इस गवर्नमेंट और इनके लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो हमें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि मैं उसका तो जवाब दे सकता हूं जब हम इक्तदार में थे, जब हम इक्तदार में नहीं हैं ये कहना कि क्योंकि उस दिन दौर में इन्होंने ये किया तो आज ये हो गया, सवाल ये है कि हमारे दौर में क्यों नहीं हुआ। 2013 से हमारी गवर्नमेंट थी पख्तूनख्वा जो सबसे बड़ा सूबा जो तबाही में थी, 2013 से 18 तक जरा दहशतगर्दी देख लें कि पख्तूनख्वा में कितनी हुई हमारे दौर में, और 2018 से अब तक हमारी जब गवर्नमेंट थी मुझे यह बता दें कितनी दहशतगर्दी थी। तो आज आप ये हमें यह कहा जा रहा है कि जनाब वो क्योंकि उन्होंने पता नहीं किया क्योंकि आज दहशतगर्दी बढ़ गई, ये बिल्कुल इसलिए है इसी तरह है जिसके ऊपर अभी मैं इसके बाद आऊंगा कि जनाब इन्होंने पता नहीं आज जो माशी बुरान आ गया और जो तबाही मिच गई है पाकिस्तान में, जो लोगों की उम्मीद ही मुल्क से चली गई है, जो माशी हालात हैं, तो वो कह रहे हैं कि जी वो हमारी वजह से हुआ है, हम उसके जिम्मेदार हैं जो हमारे दौर में हुआ है। जब हम पावर में नहीं है, हमारे से क्यों जवाब पूछ रहे हैं। मैं आज फिर से मैं बार बार कहता रहूंगा, मुझे इनका पता था कि ये नाहिल और करप्ट लोग, इन्होंने तो 30 साल हुकूमत की और मुल्क को यहां पहुंचाया है, और अब ये कहना कि ये जो जनरल बाजवा की सोच थी कि अब आके ये मुल्क ठीक कर देंगे, जो 17 साल में सबसे बेहतर पाकिस्तान की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी, उस इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के ऊपर रिजीम चेंज करके इनको ले आए। मैं बार बार जनरल बाजवा को कहता रहा और मैंने वाजे तौर पर शौकत तरीन को भिजवाया। मैं इसलिए आपको कहूंगा कि हमें पता था ये क्या होना है, मैं इनको जानता हूं 30 साल से जो इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ, ये जो कर्जे चढ़े हुए हैं आए जब से ये आए हैं, सरस देखे इन्होंने, ये अमीर होते जाते हैं मुल्क मकरूज होता जाता है, तो इन्होंने मुल्क कैसे ठीक करना था। जो मुल्क को तबाही की तरफ लेके जाए वो मुल्क ठीक कैसे कर सकता है। इनके ये जो नून लीग की 99 ये गवर्नमेंट छोड़ के गए हैं, जरा देख लें कि क्या हाल था पाकिस्तान की मईशत का, और अब ये जो 2018 में छोड़ के गए तब देख लें क्या हाल था। तो अब इनको जब हमें हटा के इनको लेके आए, इन्होंने अब ठीक कर देना था मुल्क। चलती हुई माशत जो 17 साल में उसकी ग्रोथ रेट यानी जो इकॉनमी में दौलत में इजाफा हो रहा था 5.7 और 6% दो आखिरी दो सालों में, कोरोना के बावजूद, कोरोना का भी मैं बार बार आपको इसलिए याद करवाऊंगा,
ये दुनिया के अंदर इतना बड़ा सानिया सदी में एक दफा आता है और देखेंगे पाकिस्तान कैसे निकला उसमें से और फिर अपने लोगों को, मायशत को, सबको बचा लिया, गरीबों को बचा लिया। और हम जब वहां से जब इसको बताया जनरल बाजवा को कि ये ना कामयाब होने दें और इसलिए कामयाब ना होने दें क्योंकि ये नहीं संभाल सकेंगे, और वो ही हुआ, जैसे ही आए मुल्क नीचे जाना शुरू हो गया। मुझे बताएं कौन सी, कौन सा इतना बड़ा अजाब आया था, क्या चेंज आया कि दहशतगर्दी भी इस्पानों में चली गई और ये मायशत भी जमीन पर चली गई, कौन सा चेंज आया था? यानी कोई मुझे समझाया है कि हमारा तो मसला बना हुआ था, तेल पहुंच गया था 110 से 115 डॉलर बैरल, अब वो आ गया, अभी ऊपर ही भी है तो 85 डॉलर का है। तो जब असल तो महंगाई तेल की वजह से आती है जो आप इंपोर्ट करते हैं, तो हमने तो जो एनर्जी की कीमतें वो भी ऊपर गई, कमोडिटी सुपर साइकिल जिसको कहते हैं उसको भी गुजारा, 2.5 साल हम IMF के नीचे थे, IMF के प्रोग्राम से भी गुजरे, उसके बावजूद अगर हम ये पाकिस्तान की दौलत में इजाफा कर सकते हैं, इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही थी, किसान भी खुश था, सर्विसेज भी ऊपर जा रही थी, फ्यूचर टेक्नोलॉजी उसमें ग्रोथ आ गई थी, हमारे टैक्स कलेक्शन बढ़ गए थे, हमारे रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, ओवरसीज पाकिस्तानी को इतमाद था हमारे पे, वो रिमिटेंसेज रिकॉर्ड भेज रहे थे 31 अरब डॉलर की, तो ये आते साथ ही आज नीचे कैसे पहुंच गए? ये होना ही था। और मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आज हम किधर जा रहे हैं, मेरे से वो चीजें पूछे जब मैं इख्तदार में था, अगर ये ना हटाते फिर हम जिम्मेदार थे, अगर ये ना साजिश करके ये जो शहबाज शरीफ बोलता फिरता है, क्यों आपने साजिश की थी कि अगर आपको इतना खौफ था, हमारी तैयारी नहीं थी, मुल्क के हालात बहुत बुरे थे, हमें रहने देते, एक साल सवा साल डेढ़ साल रह गया था, हम जिम्मेदार थे, फिर हम उसके जिम्मेदार कैसे हो जो आप आके मुल्क का बेड़ा गार करके रख दिया है, हर तरह मुल्क नीचे ले गए हैं। तो मुझे ये जरा ये समझाएं कि 90 रुपया गिरा डॉलर के मुकाबले में, 90 रुपए, क्या इसके हम जिम्मेदार हैं? यानी क्या आप मुझे सिर्फ ये समझा दें कि ये जस्टिफाई कैसे करते हैं कि 90 रुपए डॉलर के मुकाबले में कम हो गया? 90 रुपए पाकिस्तान की दौलत, लोगों के पैसे के अंदर कमी आ गई है। यानी जब आप डॉलर ऊपर जाता है तो आपके रुपए की जब कीमत नीचे जाती है तो आपकी खरीदार की कीमत नीचे चली जाती है, उससे जो चीज आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो सब महंगी हो जाती है। और इसका जब असर आएगा, जब 90 रुपए आप गिराते हैं, आप गिरता है कि आपकी नाहली की वजह से, इसका असर किधर आ रहा है? हर शोबे पे इसका असर आ रहा है। सबसे पहले महंगाई, आज लोगों का सबसे बड़ा मसला महंगाई बन चुका है। लोग, तनख्वाहदार लोग आज सोचते हैं कि उनकी तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा, और अभी पूरी महंगाई आई नहीं है, अभी तो असर ये जो आखिरी 35 रुपए गिरे हैं अभी इसका असर नहीं आया। अभी तो जो पेट्रोल और तेल की कीमतें बढ़ी हैं, जो इन्होंने पेट्रोल और डीजल बढ़ाया है 35 रुपए लीटर, अभी ये और बढ़ना है, क्योंकि जो रुपया गिरा है इसका अभी आपको असर आएगा, क्योंकि जो बाहर से चीजें महंगी होंगी। और ये कैसे मुझे बता सकते हैं कि 16 अरब डॉलर के रिजर्व छोड़ के गए थे, आज 3 अरब डॉलर के तकरीबन रह गए? तो क्या इसकी नौ महीने में ये हुआ है? तो फिर से मैं कहता हूं, कौन सी क्यामत आई थी कि मुल्क को यहां पहुंचा दिए? और मैं आवाम को बताना चाहता हूं कि अभी जो महंगाई है हमारे दौर में, जो कि आवाम को, लोगों को इफेक्ट करती है, उसे कहते हैं सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स। खाने पीने की चीजें जो घरों में, आपकी किचन में, आपको जो आम लोग, जो सफेद पोश, जो तनख्वाहदार, जिसको लोअर मिडिल क्लास कहते हैं, जो मजदूर हैं, उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, जिसको कहते हैं SPI, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स। हमारे दौर में 16% थी, आज वो पहुंच गई है तकरीबन 40%, और यह रुकने नहीं लगी, क्योंकि अभी इसका पूरा असर आया नहीं है, जो रुपया हमारा इतनी तेजी से गिरा है। इसका मतलब चीजें जब और महंगी होती जाएंगी, ये लोगों के लिए और महंगाई बढ़ती जाएगी।
उसके बाद ये सिर्फ ये तेल और डीजल नहीं बढ़ा, और इसका भी असर आएगा, गैस बढ़ने वाली है, बिजली बढ़ने वाली है, बिजली ये दुगनी कर चुके हैं हमारे जाने के बाद, दुगनी उससे ज्यादा बढ़ने वाली है, और जो हमारे कर्जे हैं 9 महीने में हमारे कर्जे कितने बढ़े हैं, 10,000 अरब रुपया, 10 ट्रिलियन रुपए हमारे कर्जे बढ़ चुके हैं जब से ये आए। और इन्होंने क्या किया, एक कारनामा किया, अपने सारे करप्शन के केसेस खत्म कर दिए, अवाम का इन्होंने जो हाल किया वो आप सबके सामने है, अवाम को धकेल दिया उधर जिधर 8 लाख हमारे प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ के चले गए हैं, उम्मीद खो बैठे हैं, अवाम इधर पिसी हुई है, और इन्होंने 1100 अरब रुपए के अपने करप्शन केस खत्म किए। इनको ना फिक्र थी दहशतगर्दी की, ना इन्होंने उसके ऊपर टाइम लगाया, मायशत की इनको समझ नहीं थी, और ये जो इनकी नाहली थी वो सामने आ गई है, और अपना सिर्फ जिधर कामयाबी से जिस काम के लिए आए थे अपने सारे करप्शन के केस खत्म कर दिए, जिसको हम NRO 2 कहते हैं, जो मुल्क से एक गद्दारी की थी जनरल मुशर्रफ ने, जब इनकी चोरों की बड़ी चोरी माफ की थी 2008 में, और एक ये दूसरी जनरल बाजवा ने ये जो इनको NRO 2 दिया है, ये सबसे बड़ी गद्दारी है कि आज दरवाजे खोल दिए हैं बड़ी चोरी के, व्हाइट कॉलर क्राइम के दरवाजे खोल दिए हैं, क्योंकि नैब तो इन्होंने खत्म कर दिया, FIA खत्म कर दिया, उनका सिर्फ काम है सियासी इंतकाम लेना। और मैं जो तीसरी आज चीज बात करना चाहता हूं, तीन चीजों पर मैंने आज बात करनी थी, पहले दहशतगर्दी पर कि वो हमें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, और दूसरा ये मायशत पे वो नीचे गए वो हमें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, नहीं इतनी साजिश करनी थी, अगर नई कैपेबिलिटी थी तो ना करते, तो आज आके आप अपने अपनी चोरी माफ करवा लें, लेकिन जो सारा मुल्क तबाही किया वो हमारे पे डाल दें। जो तीसरी चीज है वो इसी वजह से वो है इलेक्शंस। अब मैं ये बताऊं कि हमारी पंजाब और पख्तूनख्वा में हुकूमतें थी, 66% पाकिस्तान हमारे नीचे था, हमने पहली दफा इस मुल्क की तारीख में अपनी दो गवर्नमेंट्स को डिसॉल्व किया, अपनी गवर्नमेंट्स छोड़ी, हमने क्यों छोड़ी, अब हमें कोई जरूरत नहीं थी, किसी ने बंदूक नहीं रखी थी हमारी गवर्नमेंट कराने के लिए, हमने इसलिए छोड़ी क्योंकि हम सबको खौफ आ रहा है पाकिस्तान का, ये जो तबाही की तरफ ये लेके जा रहे हैं, और मुझे खौफ है कि आगे और हमने कितना नीचे जाना है, IMF मिल भी गई तो वो भी कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से होगा, खौफ ये था कि अगर ये ज्यादा, और इनका कोई इलेक्शन करवाने का सोच नहीं, ये भी वाजे हो जाना चाहिए कि इतनी जल्दी इन्होंने पेशावर के सानिया को इस्तेमाल किया है कि किस तरह इलेक्शन डिले हो जाए, इनका इलेक्शन इस साल करवाने का भी नहीं था प्लान, ये आगे लेके जाना चाहते हैं, और इनकी पूरी कोशिश ये है कि किसी ना किसी तरह ये तब इलेक्शन करवाएं जब ये समझे कि तहरीक इंसाफ खत्म हो चुकी है, ये इनका प्लान है। और हमने इसलिए ये इलेक्शन का फैसला किया, और हमने ये सोचा कि किस तरह हम इलेक्शन करवा सकते हैं, हमने कहा अपनी गवर्नमेंट से निकल जाते हैं, और हमने आइन को सामने रखते हुए ये फैसला किया, आइन के अंदर बड़ा वाजे है, इसमें कोई उभाम नहीं है, कोई भी इसके खिलाफ नहीं जा सकता, आर्टिकल 105 आइन का वाजे तौर पे कहता है कि जब असेंबलीज डिसॉल्व होंगी तो 90 दिन और उससे कम में इलेक्शन होगा, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है इसमें, यह हमने कुर्बानी इसलिए दी कि हम से ये समझते थे कि यहां एक ही तरीका है कि एक दफा पंजाब और पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो गया तो मजबूरन 66% पाकिस्तान में इलेक्शन होगा, मतलब सारे मुल्क में हो जाएगा, तो हमने तो इसलिए दी, अब ये उससे भाग रहे हैं, सब मिलके अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह इससे बाहर निकलें। अब मैं सारों को, सारे पाकिस्तानी को बताना चाहता हूं, अपनी सारी लीगल कम्युनिटी को बताना चाहता हूं, अपने वकला और अपनी अदलिया को बताना चाहता हूं कि जितना बड़ा यह नुकसान पहुंचेगा अगर ये कामयाब हो गए 90 डेज से आगे ले जाने की,
ये वो ही होगा लैंडमार्क जो कि एक दफा जस्टिस मुनीर ने इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ को खत्म करके डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी लेके आए थे, वो कोई नहीं भूला आज तक। कोई वजह नहीं है कि 90 डेज से आगे लेके जाएं। ये कहेंगे कि जी ओहो दहशतगर्दी हो गई, 2013 में दहशतगर्दी नहीं थी, 2008 में दहशतगर्दी नहीं थी, तब क्यों नहीं इलेक्शन आगे किए? और फिर और ये याद रखें कि 2008 के अंदर इलेक्शन इसलिए आगे किए गए थे क्योंकि वहां एक डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं था, जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी, इसलिए इलेक्शंस को आगे किया गया था। तो ये जो प्लान कर रहे हैं कि जी किसी तरह उसकी आड़ लेके दहशतगर्दी के इलेक्शन आगे करेंगे, इससे बड़ा जुल्म इस मुल्क में नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब कि वो सेटअप सिर्फ इसलिए रह जाएगा, वो डरा सिर्फ एक रास्ते में कि कहीं इमरान खान और पीटीआई ना जीत जाए। और वो उन्होंने किया कि आइन की वायलेशंस तो भी शुरू कर दिए। सबसे पहले तो एक जो आर्टिकल 105 है, गवर्नर ने क्यों नहीं अनाउंस की डेट अभी तक? ये डायरेक्ट आइन की वायलेशन है। जो भी 90 डेज से आगे लेके जाएगा उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। और दूसरी चीज जो इन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट्स बनाई हैं, ये बिल्कुल पाकिस्तान के आइन की वायलेशन है। आइन ने सिर्फ केयर टेकर गवर्नमेंट का सेटअप इसलिए होना था कि वो गैर जानबदार होंगे, इंपार्शल होंगे, ताकि इस गैर जानबदार सेटअप ही सिर्फ मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएंगे। ये मकसद था उसका। हो क्या रहा है अब? वो हुकूमतें आ गई हैं पख्तूनख्वा में और यहां पंजाब में, जो ये ही नहीं कि वो सिर्फ गैर जानबदार नहीं है, वो सख्त हमारे खिलाफ हैं। अभी से सारे कदम उठाने शुरू हो गए हैं जो कि ये शहबाज शरीफ की हुकूमत भी ना थोड़ा सोच समझ के करती, क्योंकि जल्दी में है। अभी से हमारे ऊपर केसेस कदम जो फवाद चौधरी से उन्होंने किया, और फवाद चौधरी से क्यों किया? फवाद चौधरी का यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरह आपको जलील करेंगे, हथकड़ियां, वो कोई दहशतगर्द था, उसके ऊपर कपड़ा डाल के लेके आ रहे हैं, उसको कमरे में यानी इतनी सर्दी के अंदर उसको कमरे में जमीन पे उसको सलवा रहे हैं। वहां कौन सा जुर्म किया उसने? आजम स्वाति से पहले यह किया, शहबाज गिल से पहले यह किया। ये लोगों को डरा रहे हैं कि ये हम कर देंगे आपके, ताकि आप चुप करके किसी ना किसी तरह हाथ खड़े करके तो इन नून लीग को इलेक्शन जीतते जाएं, और तब तक ये नहीं करेंगे जब तक ये समझेंगे कि इन्होंने ये केयर टेकर लेके इसलिए आए हैं हमारे ऊपर तशद्दुद करें, केसेस करें, जेलों में डालें, डराएं धमकाएं, एफआईआर्स करें, करप्शन केसेस करें। परवेज इलाही के घर पुलिस भेज दी कल, कितनी गाड़ियां चले गई वहां उसके ऊपर। हमारे वो वर्कर्स के उनको पुलिस बुला के हरासा करना शुरू हो गया कि तुम्हारे केसेस करेंगे, उनको टेलीफोन कर रहे हैं। तो क्या ये केयर टेकर करती है? क्या पाकिस्तान की तारीख में कभी केयर टेकर ने ऐसी हरकतें की हैं? मेरी JIT, अब जरा यह सुन लें, मेरी जो JIT बनाई हुई है, जो मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ, ये सोचें कि वो अभी नोटिफाइड है, पंजाब गवर्नमेंट ने नोटिफाई की हुई है वो JIT, उसको आते साथ ही सारे उसको नॉन फंक्शनल कर दिया, उसके रिकॉर्ड सील कर दिए। किस चीज का खौफ है? पहले वो दो DPO गुजरात और ये जो CTD का SSP था, वो कॉर्पोरेट, वो हमारे नीचे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, वो पंजाब गवर्नमेंट की बनाई हुई JIT से वो कहते जी हम जवाब देनी है। उनको कहा फोन पकड़ाएं जिन्होंने आपने वीडियोस बनाई हुई हैं, नहीं जी हम नहीं देते। उन्हें कहा आओ JIT के सामने, हम नहीं आते। कौन इनके पीछे है? कौन इतना ताकतवर है कि पंजाब पुलिस इतनी कॉन्फिडेंट हो जाए, इतना उसको इत्माद हो कि उनके पास कोई ताकतवर उनके फोर्सेज है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर बड़ी पार्टी का हेड अपनी FIR ना कटवा सके अपने सूबे में? और फिर जिनको खौफ है, वो जो ताकतवर लोग जिनको खौफ है कि कोई चीजें ना सामने आ जाएं JIT की, वो सारे ताकतवर लोग पूरी कोशिश करें सेबोटाज करने की। लेकिन सेबोटाज करने से पहले क्या चीजें सामने आ गई हैं? पहले मैं ये जरा आपको दो चीजें बता दूं कि पहले तो 16 दिसंबर को JIT ने जो फ्रेंसिक रिपोर्ट दी थी अदालत में, उसमें क्या चीज आई?
दो शूटर थे, उन्होंने ये एस्टेब्लिश कर दिया कि दो दो बंदूक वाले थे जिन्होंने गोलियां चलाई। वो 16 दिसंबर की आ गई। अब तीन जनवरी की जो फ्रेंसिक रिपोर्ट है जो अदालत में अब गई है, अभी गई है अदालत के अंदर, ये अदालत में जमा हो गई है, इसने एस्टेब्लिश किया है कि तीन शूटर थे। सो जो सारा बनाया हुआ था कि जी एक दीनी इंतहा पसंद है, जिसने कहा मैं अकेला हूं, उसको पढ़ा के भेजा था पहली स्टेटमेंट, मैं अकेला हूं, तो पहले तो यह साबित हो गया कि तीन शूटर थे, तो सारी जो साजिश थी वो सामने आ गई। और तीन शूटर इस तरह थे कि उसकी गोलियां जो हम कह रहे थे, जो मैं भी कह रहा था कि ऊपर से मेरे गोली छत से गोलियां, उनके गोलियों के खोल मिल गए जो इन्होंने आइडेंटिफाई किया जीआईटी ने, जो कि अब अदालत में जमा करवा दी। तो सवाल मेरा यह फिर से बनता है कि क्या एक केयरटेकर गवर्नमेंट जिसका काम ही यह नहीं है, जिसका काम यह था कि वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवाए, वो इंटरफेयर कर रही है जीआईटी में? कौन है इनके पीछे, कौन है ये इनको जो एडवाइज कर रहा है कि सारे जो ऑफिसर्स यहां लगवाए जाएं वो सारे एंटी पीटीआई हों? उन ऑफिसर्स को लगाया जा रहा है जिन्होंने 25 मई में हमारे ऊपर जुल्म किया था। हमने 22 सिर्फ सारी पंजाब की फोर्स से हमने 22 लोगों के नाम दिए थे कि इनको आपको नहीं लगाना चाहिए, ये सख्त हमारे तहरीक इंसाफ के खिलाफ है, इन्होंने हमारे अगेंस्ट एक्शन लिया था। उनमें से 13 को लगा चुके हैं, 22 में से 13 लग गए और बाकी लगने वाले हैं। कौन सी केयरटेकर गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की तारीख में यह किया? और मैं एक और भी बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरे ऊपर जो कातलाना हमला हुआ था, एक क्यामत की निशानी आ गई है। आसिफ जरदारी ने मेरे ऊपर हर्जाना कर दिया, डेफमेशन कर दिए। डेफमेशन का क्या मतलब होता है? कि मेरी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया गया है, इसलिए मैं अदालत में जा रहा हूं। आसिफ जरदारी साहब, सबसे पहले जब यह अदालत में केस जाएगा, मैं तो बड़ा शुक्र कर रहा हूं कि आप अदालत में आएंगे, सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे क्या आपकी कोई रेपुटेशन है जो खराब हुई है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। सारी दुनिया में मजमून आपको दिखाएंगे पहले कि मिस्टर 10% आपका नाम रखा गया था, कि हर चीज के ऊपर पैसे बनाते थे। सिंध के लोगों से पूछें कि क्या जुल्म का निजाम आपने वहां रखा हुआ है, कुरान पे हाथ रख के बताएं कि आपने अब तक कितने लोग मरवा चुके हैं। वो जज का जो नाम आपके ऊपर आता है, बताएं ना लोगों को कि आपने क्या क्या किया अपनी माजी में, किस तरह की दहशत फैलाई हुई आपने सिंध के अंदर। मैं तो शुक्र कर रहा हूं कि मेरे ऊपर हर्जाना करें आप। और फिर क्या ये, जब मैं कह रहा था कि मेरे ऊपर हमला होने वाला, ये जो जीआईटी की रिपोर्ट के सामने कि एक दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मुझे कत्ल करेंगे, तो क्या किसी ने राइटिंग में दिया था कॉन्ट्रैक्ट? मुझे पता चल ही गया था ना कहीं से, तो मैं इसलिए बोल रहा था तब और जलसों में कह रहा था कि करने वाले हैं, उससे पहले भी एक प्लान बनाया हुआ था, यह प्लान भी बना था, तो कोई मुझे राइटिंग में तो किसी ने नहीं कहा था कि आप सबूत दें जी, मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी तो मैंने कहा था। और वो सारी इंफॉर्मेशन साबित हो रही है, ये जो जीआईटी में कवर अप करने की कोशिश हो रही है, ये ताकतवर लोग अपने आप को बचा रहे हैं, इसलिए वो खौफजदा हैं कि कहीं सच ना सामने आ जाए। और ये जो आसिफ जरदारी, आपने जो गेम की है, ये एक स्प्लिंटर ग्रुप है दहशतगर्दों का, और मेरी इंफॉर्मेशन इतनी सॉलिड है, वो इतनी सॉलिड है कि वो उसमें जो जो मुझे डिटेल्स पता है कि कौन से वो एजेंसीज के ऑफिसर्स उसके साथ आपके साथ मिले हुए हैं जिन्होंने प्लान किया। पहले था एक कत्ल का प्लान है, उसको मैंने जब चार नाम मैंने टेप पे रिकॉर्ड करके मुल्क से बाहर पहुंचा दिए, मुझे कुछ होगा वो नाम आ जाएंगे। फिर प्लान बी बना जिसमें तीन लोग मुलव्वस थे, उसका मैंने सीधी तरह, और उसकी एफआईआर, उसकी क्योंकि एफआईआर नहीं हुई, इसी से साबित होता कि वो तीनों मुलव्वस थे, क्योंकि मेरी राइट है, ये तो मेरा हक है कि एफआईआर, मैं मेरे ऊपर कालदाना हमला हुआ, मुझे इजाजत होनी चाहिए थी इन्वेस्टिगेशन में अपने आप को साबित कर लेते हैं। और ये जो तीसरा है, ये जो तीसरा जो ये प्लान इन्होंने किया हुआ है, अब ये दहशतगर्दी के नाम पर होगा कि पहले तो दीनी इंतहा पसंद ना, सलमान तसीर टाइप मर्डर,
अब ये होगा कि जी दहशतगर्दी मुल्क में आ गई है, तो जी दहशतगर्द का खुद को शमला हो गया और इमरान खान को मार दिया। मैं ये इसलिए सारी कौम के सामने लेके आ रहा हूं कि आसिफ जरदारी, आपने जो अरबों रुपया इस मुल्क का चोरी करके बाहर रखा हुआ है, ये कौम आपको माफ नहीं करेगी। इसलिए मैंने किया है कि आप पैसा ना एंजॉय करें, बाद में ये समझें हमला करवा के करवा दें। और वो जो ऑफिसर्स भी हैं उनका भी मुझे पता है कौन मुलव्वस है इनके अंदर, और इसलिए मैं पहले से लोगों को आगाह कर रहा हूं। और मैं बड़ा शुक्र कर रहा हूं कि इस आदमी को मेरे साथ अदालत में खड़ा करो। मैं इसकी पूरी किताब होगी, इतनी बड़ी किताब होगी बताने के लिए कि इसके पास रेपुटेशन ही नहीं है डिफेंड करने के लिए। आखिर में मैं अपनी कौम को, मेरा आखिरी पैगाम यह है ये आज की तकरीर का कि देखिए, एक मुल्क फिर से ये याद रखें कि हम जिस तरह जा रहे हैं ये मुल्क हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा, जब पाकिस्तान बना था इसके पीछे एक बड़ा फलसफा था, इसके पीछे कुर्बानियां थी, इसके पीछे एक बड़ी ख्वाब थी। इस मुल्क को बनाने के लिए सारी दुनिया, मुसलमान दुनिया में खुशियां हुई थी। मुझे अल्बेनिया का प्राइम मिनिस्टर मिला एक दफा, उसने कहा कि हम कायदे आजम की तकरीरें सुना करते थे, अब वो फौत हो गए, हम रेडियो पे सुना करते थे, और नेल्सन मंडेला ने कहा कि वो कायदे आजम की तकरीरें सुनते थे क्योंकि वो सारे आजादी की जंग में मुलव्वस थे। और उसने कहा कि मिठाइयां बांटी गई अल्बेनिया के अंदर जब पाकिस्तान बना, ये सारी मुसलमान दुनिया में एक होप आई कि कैसा मुल्क बनेगा। उस वक्त सबसे बड़ी पाकिस्तान की आबादी थी मुसलमान मुल्कों में, बदकिस्मती से नाइंसाफी की वजह से ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ, तो उस वक्त सारे लोगों ने उम्मीद लगाई हुई थी कि कैसा मुल्क आएगा जो लीड करेगा मुसलमान दुनिया को। हम किधर पहुंच गए वहां से, हमारे पास ये चोर ऊपर बैठ गए आके, पैसे इनके बाहर पड़े हैं, मुल्क का इनको कोई फिक्र ही नहीं है। रुपया 90 रुपया डॉलर महंगा हो गया है इनके 9 महीने में, इनको क्या फायदा हुआ, इनको क्या नुकसान हुआ? फायदा ही फायदा, नुकसान जीरो, क्योंकि इनके डॉलर्स में पैसे पड़े हुए हैं बाहर, इनके तो डॉलर और उनकी वैल्यू ऊपर चली गई, इन्होंने तो पैसा बाहर रखा हुआ है, उनको तो फायदा हो गया, नुकसान उन हमारी तरह के पाकिस्तानियों को हो रहा है जिनका जीना मर रहा है यहां। इनके लिए तो अजाब हो जाता है जी, ईसीएल पर डाल दिया, मुझे डालें ईसीएल पे, मैं क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं फिक्र किया, अच्छा जी ईसीएल पे डालेंगे तो मुझे बड़ा कोई मसला हो जाएगा। इनको क्यों मसला है? क्योंकि पैसे गिनने होते हैं, प्रॉपर्टीज बाहर देखनी होती हैं, बड़े बड़े हैरिट जैसे जगह पे शॉपिंग करनी होती है, बड़े बड़े बाहर रेस्टोरेंट्स में जब इतना बड़ा पैसा आ जाए तो वो खर्च भी करना है ना, वो पाकिस्तान में तो नहीं हो सकता। अजाब ईसीएल पर डाल के, मुझे डाल दें ईसीएल पर। जिनका जीना मरना आज पाकिस्तान में है वो सारे आज तश्वीश में है, गमजदा है, सबको खौफ आ रहा है आगे किधर मुल्क जा रहा है। मैं हर पाकिस्तानी की बात कर रहा हूं जो समझता है कि ये हमारी मां है, हमारा मुल्क है, वो सब आज उन सबको खौफ आ रहा है कि किस जो डायरेक्शन में पाकिस्तान जा रहा है। और मैं फिर से ये कहता हूं कि हमें वक्त है अभी भी, और एक रास्ता है बस, जो मर्जी, मैं आपसे नहीं कह रहा, मैं 8-9 महीने से एक ही बात कह रहा हूं कि ये जो लोग आए हैं इससे निकलने का एक ही हल है, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाए जल्दी से जल्दी, अवाम के मैंडेट से गवर्नमेंट आए। जब अवाम की बैकिंग से गवर्नमेंट आएगी वो बड़े फैसले करेगी, ये चूहों की तरह नहीं, ये चोरों की तरह नहीं जो डरते हैं फैसले करते हुए, क्योंकि उनको सुरब, इनका तो मकसद ही गवर्नमेंट में और है आने का, ये मुल्क तो ठीक नहीं करने आए। उन लोगों को जिनको पब्लिक बैक करेगी, पब्लिक मैंडेट से आएंगे, वो बड़े फैसले करेंगे। जब वो बड़े फैसले करेंगे उस फैसलों से ये मुल्क निकलेगा इस बुरान से। ये सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, मैं खत्म करता हूं क्रिकेट से खत्म करता हूं क्योंकि मेरी बड़ा जिंदगी का हिस्सा था क्रिकेट। ये मैच ऐसा है, ये मैच खेलना चाहते हैं इनके अपने अंपायर, अपने सेलेक्टरों, अपनी पिचों, अपना थर्ड अंपायर हो, कानून ये बीच में मैच के बदलते रहे, देख रहे हैं ना दूसरी टीम शायद जीतना जाए, कानून भी बदलते हैं, कानून भी गेम के ये बदल रहे हैं।
और जो मुखालिफ टीम है उसके कैप्टन को ये जेल में डालना चाहते हैं, उसकी अच्छे प्लेयर्स को ये उनके ऊपर मुकदमे करके उनको बाहर रखना चाहते हैं टीम से, बाकी जो टीम है उनको कोई पुलिस डंडे शंडे मार के किसी की टांग तोड़ दी, किसी का हाथ तोड़ दिया। ऊपर से जब ये समझेंगे ना कि अब ये टीम बिल्कुल ही अब नकारा हो गई है, तो फिर वो 12th मैन जो बाहर लंदन में बैठा हुआ है वो जब समझेगा ना, वो इतना डरपोक आदमी, वो सिर्फ तब वापस आएगा जब वो समझेगा अब टीम काबिल हो गई है कि जनाब मैं अब नेल्सन मंडेला आके अब मैं जीत लूं। ऐसे होना नहीं लगा, क्योंकि एक और अंपायर है मालिक यौमिद्दीन, वो फैसला कर बैठा है आप जो मर्जी कर ले, मैच आपने हारना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।